नमस्कार देवियों, सज्जनों और दुर्जनों, स्वागत है आप सभी का मार्दुर का धूम धड़का की एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और अभी हम आए इस भवंडर के अंदर जजर पूल में। मुझे तो लगा बंदियां उतरी है, लेकिन तुमने टीक का यहाँ पर तो बंदे उतरे हैं, वो भी नंगे पंगे। नंबर टू, इस बंदे को कड़ा मत होने थी। अच्छा। जैसे ही कड़ा हो तो उसकी पेटी बनाती हो। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। ये दोनों कच्चेदारी तो मुझे ऐसे देख रहे थे कि मैं इनकी बेस खोल के ले गया हूँ क्या। लेकिन उनमें से एक भाग जाता है और एक तो घोड़ी बन जाता है, और मैं निंजा तोड़े की तरह डिंग 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 दीवार पर चल के उनके ऊपर रस कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ से एमो तो उठा लूं। अब इतने में ये कच्चादारी जान जाता है कि मैं इस वाले कमरे में आ चुका हूँ निंजा तोड़े की निंजा टेक्निक यूज करके, और मैं इसको घोड़ी भी बना देता हूँ। और इसका बंदा देखना कैसे भागा भागा आता है। ये तो आंधी की तरह आया था, तूफान की तरह चला गया। और हमारा नंबर एक भी देखो कितनी जल्दी आया लूटने के लिए। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर नॉक होता ना तो इतनी जल्दी ये कभी नहीं आ पाता जितनी जल्दी अब आया। और ये देखो, ये रगड़ता हुआ आ गया, यही मुझे घूर घूर के देख रहा था ऊपर। अब मैंने नंबर एक से बोला था कि यहाँ पर बंदा है, आजा मेरे साथ। वो आया तो नहीं, लेकिन पीछे से ज्यादा किल चुराने के लिए वहां पर आ गया। और वो बॉट भी हो सकता था, तो मैं भागा भागा जाता हूँ और वो बॉट उसी के पास जाता, लेकिन उसका ज्यादा नसीब खराब था। इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है जब तक मेरे हाथ में UMP है तो। खैर, सामने की साइड में भंडारा चल रहा था, एक दूसरे के ऊपर लड्डू फेंक के मारे जा रहे थे, तो हमने कहा अम्मी इस भंडारे में शामिल हो जाते हैं। अबे वे दारू की बोतल मत डाल, अगर ये नीचे गिरी तो मैं तुझे ऊपर पहुंचा दूंगा। खैर गाइस, दारू को छोड़ो, मैंने उसके लिए अपने बंदे को माफ कर दिया। और मुझे भी तो इसमें दारू की बोतल डालनी थी, और उसके साथ मैंने इनको एक लड्डू फ्री भी दे दिया। लेकिन भाई साहब, इनको मेरी दारू की बोतल और लड्डू उनको पसंद भी नहीं आया। गजब बेइज्जती है यार। एक मन तो ऐसा कर रहा है, इन्होंने मेरा इतना अपमान किया तो ऊपर जाकर इन्हीं को लपेटा हूँ। लेकिन यार थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है कि पता नहीं किस कोने में ये बैठे हुए हैं, और धुआं धुआं कर दिया है, कोरा कोरा कर दिया चारों ओर। और मेरा टीममेट जो है वो भी लड्डू डालने लग रहा है ऊपर, लेकिन भाई सब कोई खा ही नहीं रहा है हमारे लड्डू को। उनको पता है अगर कोई लड्डू खाएगा तो पेट में जाके फट जाएगा। और वैसे भी मेरे पास लड्डू की कमी हो गई थी, तो मैं यहाँ से इस पेटी में से लड्डू और दारू की बोतल उठा लेता हूँ उनको एक और बार फेंकने के लिए। तब तक मेरा बंदा जो है ऊपर चढ़ जाता है। मैं दारू की बोतल लेने क्या गया, ये तो अकेले ही चढ़ गए उनके ऊपर। थोड़ा संभाल के, तुम्हें अगर नॉक हुए तो फिनिश वो तुरंत कर देगा, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ नहीं है। और नंबर एक हमारा नॉक होके फिनिश हो गया, मैं इसी की बात कर रहा था। कहाँ पर गए ये लस्सन लोग? अरे नंबर दो को भी नॉक कर दिया, कहाँ से नॉक कर रहे हैं भाई एक दूसरे को? ये लो मेरी एक मौली से चल गया। और मैं कहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे खुद होश नहीं है। और नंबर दो थोड़ा बच के रही हूँ, मैं अभी आता हूँ। कहाँ पर है बता बंदा? इधर है क्या? ओए किधर जा रहा है ये लस्सन? तो इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। ओ नंबर दो की भी पेटी बना दी इस लाल कपड़े वाली चुड़ैल ने, हमारे दोनों बंदों को लपेट दिया। खैर उस चीज का हमने बदला तो तुरंत ले लिया, इनको हमारा इंतजार करना चाहिए था। ये लोग हमारा इंतजार कर ही नहीं रहे थे, तो हम क्या कर सकते गए, जिसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। अबे चुप हो जा, मेरे सामने गाड़ी आ रही है 4000 बंदों की, अभी इसके साथ मैं स्कैम करता हूँ। यहाँ पर गाड़ी रुकी है नंबर 4, जल्दी आजा, बजा देंगे इनका बाजा। मैं ऊपर से वेट करता हूँ, देखते हैं ये पद्दे आएंगे निकल के बाहर। तो ये देखो कैसे आराम से लूट रहा है ये लस्सन, अभी इसको मजा चुकाते गाइस। मैं मौके पे चौका नहीं छक्का मार देता हूँ। मेरा पूरा ध्यान इसको फिनिश करने पर था। और नीचे देखो, और जो अभी जो बंदा देखा है ना तुमने, वो बंदा हमारे साथ क्या स्कैम करता है वो तुम आगे देखना। तब तक ये बॉट जो है सामने फाइट कर रहे थे, और उनके पास एक रियल बंदा था, क्योंकि बॉट तभी आते हैं जब उनके पास कोई रियल बंदा होता है। ये चीज तुमको कहीं पर भी पढ़ाई नहीं जाएंगी, ओनली सेवा गेमिंग चैनल पर पढ़ाई जाएगी। इसी तरह के और ज्ञान लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब मारो, और बगल में जो घंटा था उसको भी दबा देना। और मुझे लगा ये बंदा अकेला है, तो इसलिए हम इसको पहले फिनिश करने के लिए जाते हैं, क्योंकि मुझे अपना किल प्यारा था। और हमारा नंबर 4 जो है उधर उस बंदे को लूटने चला जाता है, और जो बंदा नीचे की साइड बचा था उसका हमें अता पता कहीं पर भी नहीं है। अब कार मत निकल गया वरना मेरी पेटी बन जाएगी। अरे पकड़ो पकड़ो इसको, दारू की बोतल फेंकता है मादर जात। दोबारा दारू की बोतल, कितनी दारू की बोतल बर्बाद करोगे तुम लोग? मुझे नफरत है उनसे जो मेरे ऊपर दारू की बोतल फेंकते हैं। अब रिवाइव करो भाई, जल्दी आओ, जल्दी रिवाइव करो, नॉक हो गया मैं जोन से ही। तो
खैर एक दो घंटे हंसने के बाद हम यहाँ से निकल ही रहे होते हैं, तभी हमारे पीछे से कोई फायर करता है। भाई पीछे से हमारे ऊपर फायर करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? तो भाई और ये बंदा पता निकल के कहाँ से आया? जो मैं स्प्रे दे रहा था तो नीचे से एक बंदा चुपके चुपके जा रहा था, ये वही बंदा था। मतलब ये इतनी देर से कैंप करने लग रहा था वहां पर, और हम निकल आए तो हमारे ऊपर फायर कर रहा है वो पीठ पीछे। इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। चार जरा गाड़ी में बैठी, ओके ठीक है, फ्यूल कैन उठा ले और जल्दी डाल, अभी इस लसन को मजा चिखाते हैं। पीछे से बार करता है माकनचोर। ये राइट में। हाँ बेटा फायर कर, क्या हुआ? अरे भैया टूटिया भाई। तो मेरे पूरे 11 फिनिश हो चुके हैं और 11 बंदे ही अलाइव है, जिनमें से एक हमारे सामने डोल रहा है, एक है या दो है, पता नहीं कितने बंदे हैं उस गाड़ी के अंदर। तो मैं अपने बंदे से बताऊं, अबे चलाना फायर कर गोली भाई, कहां पर बचा के ले जाएगा। तो एक घंटे बाद ये फायर करना चालू करता है उसके ऊपर। मैंने कहा बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और इतने में ये नॉक कर देता है उसको। तो हम तो उसके ऊपर अंदर रश कर देते हैं, क्योंकि भाई बहुत ही ज्यादा शेर बंदा था ये बंदा। लेकिन यहाँ पर तो पूरी टीम निकलती है उनकी, और तुम लोग बस गिनते जाना यहाँ पर कितने सारे बंदे निकलते हैं। कितना भाई गई थी। हाँ लेकिन एक एक नॉक के सारे और भी हैं अभी। ये वाली टीम फिनिश हुई है या ना हुई हमें खुद नहीं पता है, क्योंकि नॉक हुआ था बंदा, जाहिर सी बात है अभी एक और बंदा हो सकता है। लेकिन सामने वाले जो गाड़ी लेके आए थे वो भाई साहब पैदल पैदल चोरी छुपे बिना बताए हमारे ऊपर रश कर रहे थे। अब ये सामने पेड़ के पीछे एक बंदा बैठा हुआ था, अब ये नहीं पता ये अकेला आया था या फिर अपने बंदों को साथ में लेके आया था। लेकिन जो भी हो मैं उसके ऊपर मिट्टी के तेल की बोतल फेंकता हूँ, सॉरी दारू की बोतल। वो बंदा तो नॉक नहीं होता लेकिन मेरा बंदा जरूर नॉक हो जाता। ये अलग ही टीम का बंदा था ये भाई, जब अलग ही नशे में आ रहे थे, अंदर रश कर रहे थे हमारे ऊपर, तो हमने इनकी पेटी बना दी। तो लास्ट के दो बंदे रह जाते हैं जिनको हम इधर की साइड ढूंढने आते हैं, और वो बंदे यहीं पर होते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी गाड़ी को रोक लेता हूँ, और नंबर चार इससे मैं कुछ बोलता है, इतने में ये नॉक होके बैठ गया, और मैंने भी उनका बंदा नॉक कर दिया, उन्होंने भी मेरा बंदा नॉक कर दिया। गाड़ी हमारी पड़ चुकी है, पहले मैं इसको रिवाइव दूंगा या फिर उसके ऊपर रश करूंगा? नहीं, मैं पहले रिवाइव दे देता हूँ, वरना ये मुझे गालियां सुनाएगा। अब देखो सामने तो हमें जाना था भाई, हम इतने बड़े कैंपर तो नहीं है कि यहाँ पर अपना पूरा मैच गुजार लें, इनके आने का प्रतीक्षा करें। तो इसलिए मैं चारों ओर स्मोक कर देता हूँ और अपने बंदे से कहता हूँ चलते हैं यार इनके ऊपर रश करते हैं, वैसे भी इनको मचा चकाना तो बनता ही है, तुझे नॉक कैसे किया उसने? तो भाई इसको थोड़ा बहुत डैमेज देने के बाद भाई मैं तो कर देता हूँ इनके ऊपर रश। मेरा बंदा पीछे रह गया नंबर चार। नंबर चार वैसे भी तुम्हें पता ही है किस प्रजाति का नाम है, नंबर चार हमेशा पीछे ही चलता है। खैर मैं रश कर देता हूँ नंबर चार को, तेल लगाने दो, और पहले मैं लड्डू फेंकता हूँ, लड्डू फेंक के देता हूँ उनको। लेकिन ये इनको लड्डू चाकना ही नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। तो दारू की बोतल भी देता हूँ लेकिन उनको वो भी पसंद नहीं आती है, मैं क्या करूँ भाई। एक और दारू की बोतल देता हूँ, इसमें तो खुश हो जाओ, दो दो दारू की बोतल ले ली, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं भरा। लेकिन हमारे नंबर चार का लड्डू तो एक ने खा लिया, अब बारी है दूसरे वाले की। दूसरा वाला भी इतना निकम्मा था, वो नीचे आ ही नहीं रहा था, उसके ऊपर लड्डू फेंक के मार रहे, दारू की बोतल फेंक के मार रहे, लेकिन वो आराम को नीचे उतर के आता ही नहीं है, और मेरे टीममेट की दारू की बोतल से वो जल जाता है, वो नहीं दोनों ही जल जाते हैं। तो गाइस आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है वो कर देना, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।